नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ट्रेवलिंग व्लॉग विद प्रिंस में। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे खाना किसको पसंद नहीं है, और अगर अपन खुले आसमान के नीचे खाते हैं तो उसका मज़ा हो जाता है दुगना। तो दोस्तों, आज ऐसे ही जगह पे अपन विजिट करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी जगह, वो भी केकड़ी में। कहाँ पे है वो सब हम बताएंगे वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। लेस जानने की उत्सुकता तो होगी दोस्तों कि हम आए कहाँ पे हैं। दोस्तों, हम आए हैं केकड़ी के पहले रूफटॉप कैफे पे और बताते हैं आपको यहाँ के लजीज व्यंजनों का स्वाद। तो चलिए हमारे साथ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं रूफटॉप कैफे पे, जिसका नाम है फ्रेंड्स क्लब लॉर्ड्स ऑफ फ्राइज। तो चलते हैं, मिलते हैं यहाँ के ओनर से। जय माता दी भैया। जय माता जी, कैसे हो जी? सबसे पहले नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम लखन सिंह राजावत है। अच्छा, तो भैया क्या टाइमिंग रहती है वैसे आपके कैफे की? 9 से 11। 9 से 11, और हमने सुना है कि ये केकड़ी का सबसे पहला रूफटॉप कैफे है। हाँ जी सर, हाँ जी। तो कैसे आया ये यूनिक आइडिया कि आपको ये इस प्रकार का रूफटॉप कैफे, जो कि खुली छत पे इस प्रकार से खुले आसमान के नीचे लोगों को खाना खिलवाना, ये कैसा आया आपको आइडिया? क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ अधिकतर, तो बाहर नई नई चीज़ें देखता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले यानी टोंक में घूमा। टोंक में मैंने देखा इनका लोकेशन, देखते हैं लोकेशन, वहाँ पर डंकी नहीं मिली। यहाँ पर बताया अपने यानी मालपुरा बेकर्स, उनके उनके ओनर ने बताया कि यहाँ पर एक जगह है, लोकेशन बड़ी है केकड़ी में। तो मैंने यहाँ पर देखा आके, यहाँ पर अपने को लोकेशन मिली बढ़िया। आपको अच्छी लोकेशन पसंद आ गई, तो देख के अपने को लोकेशन पसंद आ गई और अपन ने डन कर लिया। क्या क्या वेराइटीज़ है वैसे स्पेशल आपके पास, जो कि आप आज हमको खिलाने वाले हो? अपने पास वैसे तो क्या है कि फास्ट फूड और चाइनीज़ वगैरह सारा है। अच्छा। ठीक है, लेकिन स्पेशल अपने यहाँ पर पनीर टिक्का। अच्छा। और चिल्ली पनीर, मंचूरियन, मोमोज एंड पाव भाजी वगैरह, और सोया चाप। अच्छा, सोया चाप यहाँ की बहुत फेमस आ गई। तो हमने कुछ आइटम ऑर्डर किए हैं, पनीर टिक्का और सोया चाप, जैसे कि भैया ने बताया कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही स्वादिष्ट भी, लोगों ने 5-star रेटिंग उनको दी है। तो हम टेस्ट करते हैं और बताते हैं यहाँ का स्वाद। जब तक आप लीजिए यहाँ के खुली छत के मज़े। तो दोस्तों, ट्राई करते हैं यहाँ की सोया चाप को पहले, जिसके साथ हमको मिली है विनेगर सलाद और थोड़ी सी चटनी, नींबू, और ट्राई करते हैं। सबसे पहले नींबू डाल लेते हैं, थोड़ा सा
चटनी के साथ हम ट्राई करते हैं। बहुत ही लजीज स्वाद है और चटनी बिल्कुल स्पाइसी है। एक और बाइट लेते हैं। अब ट्राई करते हैं हम पनीर टिक्का मसाला। बहुत ही यम्मी है। तो मजे लीजिए यहाँ के कुछ सीन्स के जब तक हम ख़त्म करते हैं इसको। कुछ कस्टमर भी यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं यहाँ के पिज़्ज़ा, तो बात करते हैं इनसे। भैया कैसा लगा पिज़्ज़ा? बहुत शानदार लगा है पिज़्ज़ा। और जब भी हमारे को टाइम मिलता है तब हम यहाँ आते हैं फ्रेंड सर्किल के साथ, और लाजवाब स्वाद है इसका। कैसा लगता है खुले आसमान के नीचे खाना आपको? इतना आनंद मिलता है कि जैसे सितारा होटल में बैठे हम। पाँच सितारा होटल में बहुत बेस्ट लगता है। बोले आसमान से क्या हो सकता है, मतलब एक प्राकृतिक वातावरण बन जाता है। प्राकृतिक वातावरण मिल जाता है, मतलब हवा, पेड़ पौधे, सब चीज़ एक अच्छे के लिए। शायद हमने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे केकड़ी से केकड़ी में भी ऐसा होगा, और शायद अब अजमेर जयपुर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेस्ट स्वाद, टेस्ट अच्छा, टेस्ट भी अच्छा है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो आप भी आइए और यहाँ के लजीज व्यंजनों का स्वाद लीजिए। भैया शानदार था आपका पनीर टिक्का और सोया चाप। टेस्ट करके ऐसा मन हो रहा है जैसे कुक से मिले अपन, कुक से बातचीत करें। कहाँ से हैं आप वैसे कुक? उत्तराखंड से, और आप मिल सकते हो जरूर। अच्छा, तो मिलते हैं यहाँ के कुक से और बातचीत करते हैं कुछ कि उनके हाथों में इतना जादू आया कहाँ से है। तो आप हो भैया कुक, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। करण सिंह। करण सिंह जी, कितना एक्सपीरियंस है आपको कुकिंग का? सर 20 साल का। 20 साल से कुकिंग कर रहे हो आप, तो क्या पसंद आ रहा है वैसे बाय द वे केकड़ी के लोगों को? कोल्ड कॉफ़ी, मंचूरियन, पनीर टिक्का, सोया चाप। अच्छा, बहुत पसंद आ रहा है ये, मतलब सबसे ज़्यादा 5-star रेटिंग के ये आइडिया। अच्छा, तो कैसे आया आपने, कहाँ से सीखा ये इतनी अच्छी कारीगरी? सर हम तो प्रॉपर पहले अजमेर में किया, महाराष्ट्र में किया। अच्छा। बहुत जगह किया, बहुत जगह पे आपको एक्सपीरियंस है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।